acting postmortem, the scene postmortem, acting postmortem, dialogue postmortem में आपका स्वागत है। यानी कि मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर इस सीरीज में ये बताता हूँ कि आखिरकार इस सीरीज में इन महोदय जो एक्टर हैं जो आपको दिख रहे हैं उन्होंने किस तरह से एक्टिंग की है। तो चलिए आज हम बात करेंगे इरफान खान साहब के एक फिल्म से लेकर, यानी कि उन्होंने किस तरह से एक्टिंग की थी और किस तरह से उन्होंने डायलॉग बोला, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की मैं यहाँ पर कोशिश करने वाला हूँ। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को हमारी ये सीरीज़ बेहद ही पसंद आ रही होगी और आज ही सब्सक्राइब करने वाले हैं हमारे इस चैनल को। तो चलिए सबसे पहले मैं इस सीरीज़ के जो डायलॉग को पहले देख लेता हूँ। दरिया भी मैं, दरख्त भी मैं, झेलम भी मैं, चनार भी मैं, दैर हूँ, हरम भी हूँ, शिया भी हूँ, सुन्नी भी हूँ। हाँ, देखा आपने कि किस तरह से उन्होंने फ्लुएंटली इतना अच्छे से डायलॉग बोल दिया। आखिरकार इसके अंदर हम एक्टिंग से रिलेटेड बात करें, अगर हम इसका पोस्टमार्टम करना शुरू करें तो सबसे पहले हमारे जहन में आता है कि आखिरकार उनका लुक कैसा है, यू नो। सबसे पहले तो हम उनका लुक ही देखेंगे ना। तो उनका जो लुक है इस वक्त वो एक यू नो लंबे लंबे बाल हैं, घुंघराले बाल हैं और कुर्ता पाजामा पहना हुआ है। हो सकता है कि ये किसी न किसी पाकिस्तानी जेल में बंद हो। और देखने के बाद उनके जो माथे पे कट लगा हुआ है, यहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है, यहाँ पे भी उनकी चोट लगी हुई है। और उसके बाद जो पूरा सीन है वो इस तरीके से बनाया गया है कि ये एक कैदी हैं और इस वक्त कैद में हैं, किसी गवर्नेंस के कैद में इस वक्त ये मौजूद हैं। अब बात दरअसल की जाए उसके बाद दूसरी चीज़ की, तो वो है एक्सप्रेशंस की। जब एक इंसान को इतनी हद तक मारा जाता है, पीटा जाता है, उसको यानी कि इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है कि उसके पास अब ज़्यादा कुछ रहा नहीं सोचने को, सुनने को और बताने को, बयां करने को, तो बस ये उसके बाद की जो सिचुएशंस हमारे अंदर क्रिएट होती हैं सेम टू सेम उन्होंने वही चीज़ करने की यहाँ पर कोशिश की है। इरफान खान साहब तो वैसे भी एक बहुत बेहतरीन कलाकार हैं। उन्होंने ना जाने कितनी अपनी बेहतरीन अदाकारी से लोगों के दिलों को मोह लिया था। बहरहाल वो आज हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी जो एक्टिंग है वो तो अमर हो चुकी है। उसी में इरफान खान साहब की जो आंखें हैं, जो आईज हैं, आप उनको देखिए, देखिए आप ध्यान से, इनकी आंखें एक्टिंग करती हैं। यू नो द आईज इज गोइंग टू बी एक्ट, यू नो एक्ट अगर आपकी आंखें कर रही हैं, यानी कि आप अपनी आंखों से क्या बयां कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एक्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यू नो आईज में भी आपकी एक्टिंग की क्रिएटिविटी नज़र आती है, क्योंकि आपकी आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। तो हमेशा इरफान खान साहब के बारे में ये भी कहा जाता रहा है कि इरफान खान साहब बेहद ही उम्दा एक्टर रहे हैं और आँखों से एक्टिंग करते हैं। बाकी उनकी आवाज़ आप देखिए, दरिया भी मैं, दरख्त भी मैं, झेलम भी मैं, चनार भी मैं, दैर हूँ, हरम भी हूँ, शिया भी हूँ, सुन्नी भी हूँ, मैं हूँ पंडित, मैं था। वाह, अब आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि इस डायलॉग में जो उनके एक्सप्रेशंस हैं और धीरे धीरे जो उनकी आंखों से जो आंसू निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्टिंग स्पेशलिटी। यानी कि जो एक्टिंग में स्पेशलिटी लोग देखते हैं ना, ढूंढते हैं कि आखिरकार वो क्या है और किस तरह से उन्होंने ये कर डाला। बहुत ही गजब की एक्टिंग और एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो जो ऐसे ऐसे करके जो वो कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो हाथ ऐसे करके बंधा हुआ है, उसके बाद वो उन्होंने ऐसे करके झेलम भी मैं, सुनार भी मैं, दरख्त भी मैं, इस तरह से जो एक्ट जो कर रहे हैं ना, वो यार मैं अभी एक्ट नहीं कर रहा हूँ, आई एम सॉरी, लेकिन जो ये करके दिखा रहे हैं ना बॉस, ये कुछ अलग ही है। पहले तो उन्होंने डायलॉग याद किया होगा, फिर उसको फील किया होगा, फिर उन्होंने सोचा होगा कि आखिरकार मैं कैसे कर सकता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड एक्टिंग। सो आई थिंक आप लोगों को पता लगा होगा कि इरफान खान साहब ने किस तरह से किया और कैसे आपको मोह लिया एक्टिंग के अंदर। यही होती है कलाकारी एक एक्टर की, और यही होती है एक एक्टर को अमर करने की पहचान। तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को मेरा ये वीडियो का जो सीन पोस्टमार्टम का जो सीरीज़ है उसमें ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी बहुत सारी पोस्टमार्टम की वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ यहाँ इस चैनल पर। जय हिंद।